पहला बात यह है हमारा, जो हम हिंदू होकर के मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे, सलाम अलैकुम तो दे नहीं सकते। हाँ भाई साहब का अच्छा सवाल है, आखिरी सवाल अच्छा सवाल है कि हम मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे, सलाम अलैकुम तो नहीं बोल सकते। क्या आपके शास्त्र में लिखा सलाम अलैकुम नहीं बोलने का? लिखा नहीं? लिखा है ना भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान भाई से मिलते हैं तो क्या सलाम अलैकुम बोल सकते है? और ये सवाल पहले भी किसी ने पूछा है कि मुसलमान भाई जब गैर मुस्लिम से मिलते हैं तो वालेकुम सलाम कह सकते हैं? क्या गैर मुसलमान को सलाम कह सकते हैं? ये सवाल है, बराबर ना? इसके अंदर इस जवाब में इख्तिलाफ है, जैसा मैंने कहा कि मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है कि नहीं, और गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकता है नहीं। ये इख्तिलाफ कैसे पैदा हुआ? क्योंकि एक हदीस है सही बुखारी की, जिल्द नंबर 8, हदीस नंबर 6257 के लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम का मतलब आप पे मौत हो। जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम तो आप कहो वालेकुम, मतलब आप पे भी हो। तो ये हदीस साफ है कि अगर यहूदी आपसे कहते हैं आप पे मौत हो, अस्सलाम अलैकुम, वो ट्विस्ट करते थे, मरोड़ते थे, अस्सलाम अलैकुम मतलब अस्सलाम अलैकुम, तो आप जवाब दो वालेकुम, आप पे भी। तो इस बुनियाद पे अक्सर मुसलमान समझते हैं कि हम गैर मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकते, वालेकुम सलाम नहीं बोल सकते। इसीलिए अक्सर कोई गैर मुस्लिम सलाम कहता है तो मुसलमान कहते वालेकुम। अभी इस इख्तिलाफ को जानने के लिए हमें तहकीक करना पड़ेगा कुरान और सही हदीस के मुताबिक, और मैंने इसकी गहराई से तहकीक की है। कुरान के मुताबिक तफसीर के कुर्तुबी पढ़ा, तबरी पढ़ा, इब्ने कसीर पढ़ा, कई हदीस पढ़ा, और जो मेरी तहकीक का मैं निचोड़ आपको देता हूँ। इख्तिलाफ क्यों कह दिया मैं? जब इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया था इस आयत के बारे में जिसकी तिलावत मैंने तकरीर में की, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86, वइज़ा हुईतुम बितहय्यतिन फहय्यू बिहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाहा काना लिकुल्लि शय्इन हसीबा। यानी अगर आपको कोई अच्छे तरीके से मिलता है, ये आयत के मुताबिक अगर गैर मुसलमान आपको ग्रीट करे, सलाम दे, तो क्या जवाब देना चाहिए? तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आयत तो साफ है कि अगर कोई भी आपको सलाम कहता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मजूस हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी आपको सलाम करता है, कुरान कहता है आपको और बेहतरीन तरीके से सलाम कहना चाहिए, या कम से कम उतना अल्लाह हिसाब रखने के लिए सबसे बेहतरीन है। तो इस आयत के मुताबिक इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जो बड़े साहबा थे, अगर गैर मुस्लिम सलाम करते आपको वालेकुम सलाम बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। लेकिन उलमाओं में इख्तिलाफ है, कुछ उलमा कहते नहीं, ये बेहतरीन जो लफ्ज है सिर्फ मुसलमान के लिए है, गैर मुसलमान के लिए, जिम्मी के लिए सिर्फ उतना। तो ठीक है मान लो, तो अगर वो सलाम करते आपको वालेकुम सलाम बोलना चाहिए, कम से कम उतना तो बोलना चाहिए। ये वालेकुम था, सिर्फ वालेकुम था अगर कोई आपको मौत बोले, पर अगर कोई गैर मुसलमान अस्सलाम वालेकुम बोले तो इब्ने अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु बेहतर करो या उतना, कुछ उलमा कहते नहीं सिर्फ उतना। तो कोई गैर मुसलमान सलाम करे तो कम से कम उतना तो फर्ज है, और अच्छा कर सके वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह तो बेहतर है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर गैर मुसलमान आपको सलाम करे आपको वालेकुम सलाम बोलना फर्ज है कुरान के मुताबिक, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86। अभी दूसरा सवाल आता है, क्या मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है, पहल कर सकता है क्या नहीं? इस पे इख्तलाफ है, इस पे इख्तलाफ है। इख्तलाफ क्यों है? क्योंकि एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुत्तफिक अलैह है, बुखारी में भी मुस्लिम में भी। सही मुस्लिम में लिखा है जिल्द नंबर 3 में किताबो सलाम में हदीस नंबर 5389, इसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी आप कोई यहूद या नसारा को गुजरते हुए देखे तो उन्हें सलाम मत कहो, सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। तो ये हदीस की बुनियाद पे अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई ईसाई या यहूदी को देखते हैं तो सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। लेकिन एक दूसरी हदीस है, दूसरी हदीस सही बुखारी की है,
जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 6254, इसमें अल्लाह के रसूल फरमाते अगर साथ में लोग को मिलते थे जिसमें मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है, काफिर भी है, ईसाई भी है, यहूद भी है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, और उनको अल्लाह के करीब आने की दावत देते थे। तो इससे साफ जाहिर है हदीस से कि अगर मिक्स गैदरिंग है तो आप सलाम कह सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं। तो अभी दो पहलू है, अगर गैर मुसलमान सलाम करे तो आप बेशक जवाब दे सकते हैं वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। अगर मिक्स गैदरिंग है तो आप पहल भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। जो इख्तलाफ आता है कि सिर्फ अगर एक गैर मुस्लिम को मिले तो क्या आप पहल कर सकते हैं कि नहीं सलाम में। जब आप कुर्तुबी पढ़ते हैं, कुर्तुबी की तफसीर पढ़ते हैं, इसके अंदर जब उआइना है, उआइना से पूछा गया था रदिल्लाहु अन, उनसे पूछा गया था कि गैर मुस्लिम को सलाम करने में पहल कर सकते हैं कि नहीं, तो वो जवाब देते कुरान मजीद की आयत सूरह मुमतहिना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 8 में कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने कहा जो लोग आपको अपने घर से नहीं निकालते, जो आपके दीन को गाली नहीं देते, उनके साथ अमन से रहे, जस्ट रहे और अच्छा बर्ताव करे। क्योंकि अल्लाह ताला जो लोग जस्ट है उनके साथ है, जो लोग अच्छा बर्ताव करे उनके साथ है। और चार आयतें पहले वो हवाला देते हैं सूरह मुमतहिना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 4 के, सबसे बेहतरीन मिसाल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम में। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल क्या है? क्रॉस रेफरेंस, सब कुरान से जवाब है। क्रॉस रेफरेंस आप सूरह मरियम पढ़ो सूरह नंबर 19 आयत नंबर 47, इसमें लिखा है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद तो मुशरिक थे, जो काफिर थे, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर के बाहर निकालते तो सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 47 में फरमाते कि काला सलामुन अलैका, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा आप पे सलामती हो। कुरान कहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम में सबसे अच्छी मिसाल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मुशरिक अपने काफिर वालिद को कहा सलाम अलैकुम। तो ये बुनियाद पे अक्सर उलमा कहते हैं, जमूर उलमा कहते हैं कि ये सलाम जो था ये अलविदा का सलाम था, इसमें कोई दोहरा नहीं। इसके वजह से उलमा में इख्तलाफ है, अक्सर उलमा कहते हैं अलविदा का सलाम था लेकिन सलामती थी, इसलिए आप गैर मुस्लिम को सलाम कह सकते हैं। कुछ उलमा कहते नहीं, ये अलविदा का था, सिर्फ नाम के लिए था, इसलिए नहीं कर सकते। और तहकीक करेंगे तो पता लग जाए कि सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 63 में लिखा है कि मोमिन वो है जो दुनिया धरती पे आजदी के साथ चलते हैं, दे वॉक विद ह्यूमिलिटी, और जब भी जाहिल लोग से मिलते हैं तो कहते हैं कालू सलामा सलाम अलैकुम। ये कुरान की आयत है, मोमिन वो है जो आजदी ह्यूमिलिटी से धरती पे चलते हैं और जब जाहिल से मिलते हैं कहते हैं कालू सलामा आप पे सलामती हो। और पढ़ो कुरान मजीद, कुरान मजीद सूरह कसस की आयत है सूरह नंबर 28 आयत नंबर 55, इसमें लिखा है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम काफिर अगर इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, बेहरमती कर रहा है, तो आप कहो आप पे आपके अमाल, मेरे पे मेरे अमाल, आप पे सलामुन अलैकुम। वो जाहिल जो इस्लाम को गाली दे रहा है, कुरान कह रहा है सूरह कसस में सूरह नंबर 28 आयत नंबर 55, उसमें कहता है कि आपके अमाल आप पे, मेरे अमाल मेरे पे, सलामुन अलैकुम आप पे सलाम हो। तो इसीलिए सलफ के नजदीक अक्सर मानते हैं कि आप सलाम गैर मुस्लिम को कर सकते हैं, उनका जवाब भी दे सकते हैं। फिर भी कुछ सलफ उल्मा है जो आज भी कहते हैं कि आप गैर मुस्लिम को सलाम नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर कहते आप सलाम कर सकते क्योंकि दलील है कुरान और सही हदीस से। तो जब भी सलफ उल्मा में इख्तलाफ होता है तो मैं भी तहकीक करता हूँ, उनके दलील देखता हूँ, दलील देखता हूँ कुरान और सही हदीस से, फिर उल उल्मा की तरफ जाता हूँ, उस आलिम की साइड लेता हूँ जो मुझे लगता है कुरान और हदीस के और करीब है। इसीलिए पूछा गया था इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जो इतने बड़े सहाबा थे, वो मुसलमान को भी गैर मुसलमान को भी सलाम करते थे। तो एक शख्स ने पूछा इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, गैर मुस्लिम को सलाम करना तो गलत है, आप क्यों करते?
ये उनका हक है, इब्ने मसूद ने कहा। और अबू उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे पूछा गया था कि आप गैर मुस्लिम को सलाम क्यों करते हो, जब भी जाते थे मुसलमान को भी सलाम करते थे, गैर मुस्लिम को भी करते थे, क्यों करते? तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमान का फर्ज है कि हम रहमत फैलाए, इसीलिए मैं गैर मुसलमान को सलाम करता हूँ। और मेरे जवाब के आखिरी में मैं कहना चाहता हूँ कि सूरह अंबिया की आयत सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहां में भेजा है रहमत फैलाने के लिए, सारी इंसानियत के लिए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे काफिर हो, चाहे मुशरिक हो, सारे आलमों के लिए। तो हम मुसलमान भी सारी दुनिया में अमन रहमत फैलाते हैं, और दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहु तआला से कि हमारी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए। और इंशाल्लाह इस सेशन को मैं खत्म करता हूँ।